हेलो एवरीवन, जाटन बीच में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक नए दिन में, एक नए सफ़र में चाय के साथ। तो अब हम रेडी हो रहे हैं, नहा धो के तैयार हो गए हैं, बस ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। बस 10-15 मिनट में खा पी के मैक्सिमम 20-25 मिनट में निकल जाएंगे। तो आज का प्रोग्राम हमारा यह है कि हम मर्स मिकला, जो लास्ट ईयर ही खुला है या इस साल से अलाउ कर रहे हैं जाने का, जो पेंगोंग लेक के आगे से रास्ता जाता है, तो वहाँ जाएंगे। और यहाँ हमारे यहाँ से इसका डिस्टेंस लगभग 65 किलोमीटर है और 3 घंटे दिखा रहा है। तो उसको उसके बाद हम जाएंगे खरदुंग। तो पूरा हमें शायोक रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी। अभी तो वाटर क्रॉसिंग नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी अलर्ट रहेंगे। तो आज का यही प्लान है और बने रहना, और पिछले जितने भी ब्लॉग हैं बहुत ही शानदार हैं, देखते रहना, और कोई भी क्वारी है आप मेरे से पूछते रहना। तो चलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइस, हम हैं मिराक में और ये है शार्ट तोबो होमस्टे मिराक। यहाँ पे हम रुके थे और वी आर रेडी टू राइड। पूरी पैकिंग हो गई है, बस अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। अमित भाई लेट आएंगे क्योंकि मर्स मिकला पास वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे भाई माउंटेन से बहुत सिकनेस हो रही है, अब ज़्यादा नहीं करना। तो ये हमें मिलेंगे खलसी, और हमने आज पहुंचना है खलसी अगर सब कुछ सही, मौसम सही रात तो हो। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं मान गांव। ये है मान गांव और यहाँ पे बहुत सारे होमस्टे वगैरह मिल जाएंगे आपको मिराक में, उसके बाद ये अपना मान में। और यहाँ से जो स्वेमिक है वो लगभग 10 किलोमीटर रह जाता है। वहाँ पे तो बहुत महंगा होगा, तो आप इस तरह आ सकते हैं, यहाँ आपको इकोनॉमिकल पड़ जाता है। ओहो याक, वैसे आगे हैं बहुत सारे। ये है मान विलेज। तो गाइस, एक बार फिर हम आ गए हैं पेंगोंग लेक पे। ये देखिए ब्यूटीफुल पेंगोंग लेक, ये देखिए ब्यूटीफुल। और यहाँ पे घुड़ सवारी वगैरह होती है और सारे प्रॉप्स रखे हुए हैं 3 इडियट्स के फोटोग्राफी के लिए। ये देखिए बुलेट भी रखी है, स्कूटर भी। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल है यार पेंगोंग। अब थोड़ी वीडियोग्राफी करते हैं फिर चलेंगे, आज काफ़ी लंबा रन है हमारा। एक बार फिर देख लीजिए पेंगोंग लेक, क्रिस्टल क्लियर वाटर है ये। ये देखिए नीचे तक सारे कंकर पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। और ये मल्टी कलर पेंगोंग लेक है, रेड भी कलर नज़र आता है, ग्रीन भी आता है और ब्लू भी। आज ग्रीन नज़र आ रहा है, अभी पीछे ब्लू नज़र आ रहा है। तो गाइस, हम निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं पेंगोंग लेक से, व्यू पॉइंट था जो। और आगे अब मेन रोड पे आ जाएंगे। ये ऊपर जो रोड जा रही है वहाँ पे जाना है हमने, और ये है पेंगोंग लेक ब्यूटीफुल। और वहाँ थे बिल्कुल आगे व्यू पॉइंट पे। तो अब रास्ता ढूंढना है मर्स मिकला के लिए। तो ये है फर्स्ट व्यू पॉइंट, जब पेंगोंग आते हैं तो सबसे पहले ये व्यू पॉइंट आता है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको रहने की जगह मिल जाएगी, बहुत कॉस्टली होगी यहाँ पे। धीरे धीरे आगे जाते जाएंगे सस्ता होता जाएगा। बुद्धा का स्टैचू भी बन गया है यहाँ तो। तो यहाँ फर्स्ट है और सेकंड, जहाँ हमने अभी फोटोग्राफी के सेकंड है। और जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपको और भी अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे। वहाँ पे चेक पोस्ट पीछे जो हमने पता किया
तो वो बोल रहे थे भाई उनकी मर्जी है, वो जाने दे ना जाने दे, देखते हैं। तो ये व्यू देख लीजिए, और इसमें किला के लिए अभी भी 9 किलोमीटर है चेक पोस्ट पोपरंग। तो यहाँ सेना पुलिस चेक पोस्ट पे भाई ने रोक दिया है जाने से, बोल रहे हैं कि आगे रास्ता क्लियर नहीं है, जाने नहीं दे रहे, बहुत स्नोफॉल है ऊपर, बहुत बर्फ़ है। और कल भी एक गाड़ी आई थी टूरिस्ट की, उनको भी वापस भेज दिया गया है। तो ये कैफेटेरिया है, यहाँ पे हमने ब्रेड और छोले और चाय, चाय तो एक नंबर है भाई यहाँ की, और फ्री चाय है यहाँ पे, जितनी मर्जी चाय पियो। तो अभी ये खरदुंग को निकलते हैं यहाँ से। तो हम दुर्भुक होते हुए, शायोग दुर्भुक आगम होते हुए जाएंगे खरदुंग में, और आज का स्टे मोस्टली हमारा खरदुंग में होगा। गोग्रीन मर्समिकला हमारा रह गया इस टूर पे। इस बार पता नहीं कितनी स्नोफॉल हुई है कि सारे पासिस पे बहुत ही दिक्कत हो रही है। खरदुंगला बारा लाचला पे भी बाइक को अलाउ नहीं किया जा रहा है, खरदुंगला पे भी, चांगला पे भी, और यहाँ मर्समिकला पे भी कह रहा बहुत बर्फ है भाई, रास्ता क्लियर नहीं है। और ये रास्ता देख लो यार, ये रास्ता जाता है मर्समिकला के लिए, और पेंगोंग लेक से पहले रास्ता कटता है। ये लुकुंग विलेज है और सामने है पेंगोंग लेक, बहुत ही ब्यूटीफुल है पेंगोंग लेक। और ये लुकुंग से रास्ता जाता है मर्समिकला के लिए। हम जा रहे हैं वापसी खरदुंग को, लौट के बुद्धू घर को जा रहे हैं। तांगसे में आ गए हैं, और यहाँ तांगसे पे पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पे पेट्रोल फिल करा लेते हैं। तो दुर्भुक यहाँ से 8 किलोमीटर है, तांगसे से हम निकल चले हैं दुर्भुक के लिए डेट तांगसे। यार रोड तो एकदम बीआरओ ने मस्त बना दी है, ट्रेनिंग हार्ड फाइट हार्ड। दुर्भुक से दो रास्ते कटते हैं, एक नुब्रा वैली को निकलता है, एक ले को वाया अपना चांगला पास होते हुए, और ये मेन हब है। ये देखिए कितने बाइकर्स खड़े हैं, और हमारी वो गाड़ी भी यही खड़ी है सामने। हैं कहाँ रोड बढ़िया, जाने नहीं दिया, बर्फ बहुत है ऊपर कह रहा है। नहीं थोड़े से आगे गए थे, फिर वहां अफसोस मनाया हमने बैठ के थोड़ा इधर चाय पानी पी, फिर वहां से निकले। फिर मैंने मोमोज मंगाए हैं, खाओगे? अभी खा के आए हम, तो वही आर्मी की कैंटीन है ना वहाँ। तो ये टी पॉइंट है, लेफ्ट को जाता है ले को रास्ता चांगला पास से होते हुए, और राइट को जाता है अपना पेंगोंग टीएसओ सायोक। पद्मा यंग रेस्टोरेंट, आज टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, नहीं तो तुरतुक पहुंच जाते, तुरतुक जाके बैक मारते फिर सही रहता।
तो अभी हम शायोक गांव विलेज को क्रॉस कर रहे हैं, ब्यूटीफुल शायोक गांव, इसी के नाम से इस रिवर का नाम है शायोक रिवर, और शायोक वैली भी इसी गांव के नाम से है। पद्मा होम स्टे, तो यहां पे भी काफ़ी होम स्टे मिल जाएंगे आपको, और लेकिन बहुत ही ग्रीनरी है यार यहां पे, खूबसूरत है शायोक विलेज। ये देखिए कितनी ग्रीनरी है, पेड़, खेती भी होती है यहाँ, तो होम स्टे भी काफ़ी है यहाँ तो, वेरी नाइस। तो लैंडस्लाइड के पहाड़ के बीच से निकल रहे हैं हम, ऊपर देखो कितना खतरनाक पहाड़ है, पूरी लैंडस्लाइड एरिया है। अब तो दुर्भुक के बाद शायोक, शायोक के बाद अब अगम आएगा आई थिंक, अगम विलेज। अनदर वाटर क्रॉसिंग, सुखी वाटर क्रॉसिंग, थोड़ा जुलाई में आएंगे तो यहाँ तो बुरा हाल हो जाएगा, पानी पानी, अब बिल्कुल सूखा पड़ा है इस बार, ये आया हल्का सा पानी। यहाँ पे शायोक का पानी आ जाता है, कई बार रास्ता बंद करना पड़ता है दोपहर के बाद, तो पक्का जुलाई के बाद इसमें पूरे रास्ते में पानी आ जाता है, जहाँ भी रिवर के नियर पड़ जाती है रोड, जैसे ये है, ये पूरा एरिया बंद हो जाता है, पानी आ जाता है शायोक रिवर का पूरा यहाँ पे, ये बहुत लेवल पे ही है, जब ये भर जाती है शायोक रिवर जुलाई में, जुलाई अगस्त, ये दो महीने में बहुत बारिश होती है और आइस भी मेल्ट होने लगते, ग्लेशियर का भी पानी आ जाता है इसके अंदर। अभी तो सूखी पड़ी है पूरी रिवर, और वाटर क्रॉसिंग भी नहीं मिली हमें, बिल्कुल नहीं मिली, थोड़ा सा पानी मिला है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू क्रॉस दिस रूट, बड़ी वाटर क्रॉसिंग है, लेकिन इस समय पानी नहीं है, नहीं तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, ये पूरा पानी से आया हुआ है ऊपर से, जितना ये पत्थर मलबा आया हुआ है ये सब पानी से आया हुआ है, ये देखो सब गीला है, अभी बहुत कम मिलेगा यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग, और ये बाइक्स ही बाइक्स यहाँ पे। अगम और शायोक विलेज के बीच में ये सबसे बड़ी वाटर क्रॉसिंग है, सबसे ज़्यादा, और यहीं पे रास्ता बंद होता है, ब्लॉक होता है मोस्टली, वरना सारे रास्ते साफ मिलेंगे आपको, और ये तो बीच में जो है ये वाटर क्रॉसिंग काफ़ी मिलती है यहाँ पे। तो हमारे भाई बंधु रह गए हैं पीछे, तो मैंने एक ब्रेक लिया है, ये देखिए सामने हमारी बाइक खड़ी है, ये ब्रिज को क्रॉस करके जाना है, और ये रिवर, रिवर के सामने बैठे हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, आ जाएँ तो फिर साथ चलें, काफ़ी पीछे रह गया लग रहा है, और मौसम भी ख़राब हो रहा है, आंधी चल रही है और पीछे ऊपर बादल ही हैं, पूरे बादल हैं ऊपर। वेलकम टू डेट अगम, ये आर्मी का डेट कैंप है अगम में, ये भाई लोग हमारे यहाँ खड़े हो गए, खाओगे क्या खाना है, अभी तो पहुँचने वाले हम, तो पहुँचने तो वाले हैं, कुछ खा लेते हैं समस्या हो चाय वगैरह, चलो फिर। तमिलनाडु से आए हुए भाई लोग, और ये अगम का ब्रिज जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ डेट कैंटीन है, यहाँ पे हमने समोसा चाय वगैरह स्नैक्स ले लिया है, और अब चल पड़े हैं आगे खलसर, और खलसर के बाद देखते हैं वहाँ रुकने की जगह होगी, नहीं तो फिर सियाचिन बेस कैंप वाला रूट पे कोई गांव होगा, आगे से आगे पहुँचने की कोशिश करेंगे जहाँ जगह मिल जाए। तो अगम विलेज में हम एंटर हो गए हैं, और ये डबल लाइन रोड का काम चल रहा है,
अगम तक तो मतलब कि अगम से लगभग 4-5 किलोमीटर और आगे बहुत बढ़िया रोड बन गई है डबल, और आगे भी शायद बनेगी, देखो कब तक बनती है, टाइम तो लगेगा 1-2 साल। और ये है अगम विलेज, और खलसर यहाँ से 25 किलोमीटर और है, और उसके बाद हम बेस कैंप की तरफ जाएंगे। ये सामने वाला रास्ता निकलता है वारिला पास को, शक्ति को, ये सामने अगम से दो रास्ते जाते हैं। अगर वारिला पास करना है तो ये यहीं से अगम से रास्ता जाएगा। तो रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, डबल किया जा रहा है रोड को, पहले वन वे था अब टू वे किया जा रहा है, उछले पहाड़ों को काट काट के बड़ा किया जा रहा है रोड को, इसलिए ये रिवर से रास्ता निकाला है एक अलग अल्टरनेट रूट से, पूरा अगम से यहीं खलसर लग रहा है 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर पूरा, मतलब कि खलसर तक पूरा रोड तोड़ रखा है, पूरा अल्टरनेट रूट निकाला हुआ है अगम से 13 किलोमीटर पहले। ये फर्स्ट टाइम हम इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं और शायद रिवर के दूसरी तरफ हम जा रहे हैं, ये दिस इज द अल्टरनेट रूट, क्योंकि वहाँ पे भी काम चल रहा है, पूरी रोड का नक्शा ही बदल दिया है। अगम तक तो पूरी मतलब कि 2 लेन हो जाएगी, अगम के बाद अभी टाइम लगेगा। तो आज तो बहुत ही ख़तरनाक एडवेंचर हो रहा है, और बिल्कुल हम शायक रिवर के अंदर से होके जा रहे हैं, ये अल्टरनेट रूट है, और वो सामने भी जो पहाड़ हैं मेन हमारा रास्ता वो था, और लेकिन वो सारा रास्ता तोड़ रखा है, उसको चौड़ा किया जा रहा है, और ये अल्टरनेट रूट दिया हुआ है हमारे को। अगम के बाद तो सब तोड़ फोड़ चल रही है बहुत तगड़ी, अभी तो ये शायक रिवर है जिसके अंदर से जा रहे हैं। तो ये अल्टरनेट ब्रिज तैयार किया गया खलसर के लिए, सामने खलसर है। उधर कुछ है क्या? नहीं, वो हम गए थे ना पेंगोंग, पेंगोंग से आ रहे हैं। उससे ऐसे रास्ता है? हाँ, इधर ये सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, सब रोड तोड़ रखा है यहाँ से। नहीं, हम किसी साइड से आ रहे हैं। तो कहाँ से आ रहे हो, पेंगोंग से? अच्छा, खारदुंगला से। पेंगोंग इधर से कितना दूर है? पेंगोंग अभी 4 घंटे हो गए, 4-5 घंटे। ये सारा रूट तोड़ रखा ना आगे, पूरा डबल बना रहे हैं, उसके लिए अल्टरनेट रूट बनाया ये। ये रूट कैसा है? बहुत खराब है, तो ये थोड़ा बेटर है। अगम तक खराब है, अगम के बाद ठीक है। आज कहा यही रुके हुए? तो ले से आए हैं। ले से आए हैं, खुल गया रास्ता ये खारदुंगला। तो ये है पेट्रोल पंप खलसर से 6 किलोमीटर आगे, और ये रास्ता जाता है डिस्किट को, और ये सीधा रास्ता जाता है सियाचिन बेस को। पैनामिक है आगे एक गांव 40 किलोमीटर बाद, तो हमने सोचा वहाँ पे रेस्ट ही करने के लिए, और आगे एक आयरन ब्रिज भी आ रहा है उसको भी क्रॉस करना है। उंदर जाते हैं तो वो सामने आप पहाड़ देख रहे होंगे जो कटिंग है, वो रास्ता है उंदर जाने का। हम ये रिवर के दूसरी तरफ, शाइक रिवर के दूसरी तरफ हैं जो जा रहे हैं हम सियाचिन बेस को। 91 किलोमीटर है यहाँ से, और एक बीच में गांव आएगा वो भी 48 किलोमीटर है, देखते हैं। और हाईवे बढ़िया है, रास्ता बढ़िया है, लेकिन सिंगल लेन है, इस वजह से थोड़ा सा स्लो है, डबल होता तो बहुत फास्ट हो जाएगा। और सामने है नुब्रा वैली, वेलकम वेलकम टाउन एरिया अहेड, वेलकम। पैनामिक 22 किलोमीटर। शाम के बज गए हैं 7, और हमने ले लिया है होम स्टे, और होम स्टे का नाम है एसना व्यू होम स्टे एंड कैंपिंग साइट। ये देखिए हमारी धन्नो, और ये एक्सपल्स, ये भाई की अल्ट्रोज। आगे हम चले गए थे 15 किलोमीटर आगे ससमा में, और वहाँ पे कोई होम स्टे नहीं मिला। फिर थोड़ा और आगे गए तो चेक पोस्ट थी,
तो वहाँ पे हमें मना कर दिया कि 4 बजे के बाद एंट्री नहीं होती, और सुबह 7:30 बजे खुल जाती है एंट्री सियाचिन बेस की, शाम को 4 बजे सुबह 7:30 से। तो ये बहुत ही खूबसूरत पैनामिक में है ये होमस्टे, और ये देखिए व्यू, देखिए कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। जो होमस्टे हमने लिया उसका मैं आपको टूर करा देता हूँ। ये है घर, ये है आज का हमारा होमस्टे, और साथ में ये है अटैच बाथरूम, और ये बाहर का व्यू। तो सुबह हम चले थे मिराक से पेंगोंग होते हुए, हम पहले जा रहे थे मार्समिकला, लेकिन वहाँ भी मना कर दिया गया ड्यू टू वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो थी। तो वापसी आए फिर सियाचिन बेस के लिए निकले, लेकिन यहाँ से 50 किलोमीटर रह गया सियाचिन बेस। तो सुबह हम यहाँ जाएंगे सियाचिन बेस, वहाँ एक्सप्लोर करके फिर वापसी जाएंगे तुरतुक को। कल का स्टे हमारा तुरतुक है, आज का स्टे हमारा यहाँ पे पैनामिक में है। आप आज का व्लॉग और अभी तक के व्लॉग आपको कैसे लगे एक कमेंट करना, कोई भी क्वारी हो कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझे एक मैसेज जरूर करना। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद, सायनारा।